नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 में यह भी प्राविधान है कि यदि कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडित होगा, साथ ही 50,000 रुपए जुर्माने की भी धनराशि होगी। सत्र न्यायालय विचारण के पश्चात यदि सिद्ध दोष है तो जो पीड़ित है उसको 5,00,000 रुपए तक का प्रतिकर के रूप में देने का आदेश पारित कर सकता है। यह 5,00,000 की रकम जो होगी वह जो जुर्माने की धनराशि है यह अतिरिक्त है और यह पीड़ित को दी जाएगी। फिर कोई ऐसा अपराध करता है तो इस अध्यादेश में जो वर्णित दंड है वह दुगुने से अधिक नहीं होंगे। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से या एक धर्म के पुरुष द्वारा अन्य धर्म की महिला के साथ विवाह के पूर्व या पश्चात या तो स्वयं का धर्म संपरिवर्तन करके या विवाह के पूर्व या पश्चात महिला का धर्म संपरिवर्तन करके किया गया विवाह, विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गई याचिका पर कुटुंब न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है ऐसे विवाह को। दंड प्रक्रिया संहिता अपने यहाँ है, वह ये बताती है कौन से अपराध जमानती होंगे, कौन से अपराध अजमानती होंगे, कौन से संज्ञेय होंगे, कौन से असंज्ञेय होंगे। जो ये अध्यादेश आया है इसमें यह स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि यदि सीआरपीसी में कोई ऐसी बात आती भी है कि वह संज्ञेय असंज्ञेय जमानती अजमानती है, जो भी वहां पर अपराध की श्रेणी रखी गई हो, उसके बावजूद इस अध्यादेश के अधीन, इस विधि के अधीन यदि कोई अपराध कारित किया जाता है तो वे सभी के सभी अजमानती होंगे, यानी नॉन अवेलेबल होंगे, संज्ञेय होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने यह सोचा कि हमको धर्म संपरिवर्तन करना है तो धर्म संपरिवर्तन करने के 60 दिन के पूर्व उसे जहां पर वो धर्म संपरिवर्तन करना चाह रहा है या करना चाह रही है जिला मजिस्ट्रेट को, या जो जिला मजिस्ट्रेट ने जिस अधिकारी को इस संदर्भ में नामित किया हुआ हो उसको संबोधित करते हुए जो इस अध्यादेश में अनुसूची 1 है उसमें विहित प्रोफार्मा है, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को भर करके ये घोषणा करनी होगी कि वह स्वयं अपनी स्वतंत्र सहमति से बिना किसी बल प्रपीड़न या अंडू इन्फ्लुएंस या लालच के अपना धर्म संपरिवर्तन करना चाहता है या करना चाहती है। जो धर्म परिवर्तक है यानी मुल्ला है, मौलवी है, कोई भी है, यदि वो दूसरे धर्म के व्यक्ति को धर्म संपरिवर्तन कराने जा रहे हैं या कोई ऐसा अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो उनको भी जो इस अध्यादेश में फॉर्मेट 2 है, नोटिस जो जिला मजिस्ट्रेट है या उनके द्वारा नामित कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट है, उनको 1 माह के पूर्व ये सूचना देनी होगी कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। ये सूचना प्राप्त करने के पश्चात जो धर्म परिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के संबंध में पुलिस के माध्यम से जांच होगी। जो धर्म संपरिवर्तन करने जा रहा है या जा रही है अगर उन्होंने सूचना नहीं दिया जिला मजिस्ट्रेट को तो उनको भी 6 माह से कम नहीं होगी और 3 वर्ष तक ये सजा उसको हो सकती है और साथ ही कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। लेकिन या जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं या फादर हैं या पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, कोई भी है जो धर्म परिवर्तन करवाने जा रहा है, ऐसा अनुष्ठान करने जा रहा है, अगर वो सूचना नहीं देता है तो उनको कम से कम 1 वर्ष की सजा और अधिकतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है और इसके साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना कम से कम होगा। यह अध्यादेश किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, सब पर यह समान रूप से लागू होगा, इसलिए किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह कानून सर्वधर्म संभाव को बढ़ावा देने वाला है, समाज में समरसता फैलाने वाला है और जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं उनकी गरिमा को बनाए रखने वाला है, क्योंकि मानवाधिकार का उल्लंघन भी कहीं कहीं धर्म परिवर्तन से होता है, अगर उस स्वेच्छा नहीं होता है, बलपूर्वक होता है, लालच में होता है या अन्य किसी कारण से होता है। तो इस आशा के साथ कि आप सभी जागरूकता के लिए ये बात सबको बताएंगे कि वास्तव में यह कानून
सबके लिए है, ताकि अन्य राज्यों में जो कानून बनने जा रहे हैं आप लोग जागरूक रहेंगे तो वहां भी इस तरह के प्रावधान या और कड़े प्रावधान वहां की आवश्यकता को देखते हुए आप सरकार पर दबाव बना सकते हैं ताकि इस तरह का कानून वहां भी बने। आज की बात यहीं तक। आज तक आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ, और अन्य लोगों से भी ये बात कहें कि हमारे जागरूकता अभियान का हिस्सा बने इस चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन करके, और इसको लाइक कमेंट शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।